एक को नोक का दर्जा क्यों दिया गया है, एक को शास्त्रीय का क्यों? सबसे बड़ा फर्क यही है कि जो शास्त्रीय नृत्य है शास्त्रों पे आधारित है। सबने चार वेदों के नाम सुने हैं? यस, वो भी सब जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से साहित्य लेकर, सामवेद से संगीत लेकर, यजुर्वेद से भाव लेकर और अथर्ववेद से रसा लेकर एक पांचवा वेदा लिखा गया था जिसे हम कहते हैं नाट्य वेद। और इसी नाट्य वेद पे भारत के सारे शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत एवं शास्त्रीय नाटक आधारित है। और क्या लिखा गया है इस नाट्य वेद में? यही कि आप अपने शरीर का हर एक अंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं दर्शक को कुछ बात समझाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए। कैसे आप अपनी आंखों का प्रयोग कर सकते हैं, हाथों का प्रयोग कर सकते हैं, पैरों का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे आपकी कान, आपकी नाक, आपकी होंठ, आपके कंधे, आपकी कमर, आपके घुटने, शरीर का हर एक अंग किस तरीके से दर्शक से बात कर सकता है, कुछ कह सकता है, ये लिखा गया है नाट्य वेद में। अब आते हैं शास्त्रीय नृत्य की मेरी वाली शैली पे, भरतनाट्यम पे। क्या किसी को पता है कौन से राज्य से शुरू हुआ था ये डांस? तमिलनाडु, बिल्कुल सही। क्या आपको ये भी पता है कि तमिलनाडु में कहाँ शुरू हुआ था? मैं जगह का नाम नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन कहाँ? स्कूल में, फुटबॉल फील्ड में, कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये जो डांस है भरतनाट्यम, तमिलनाडु के मंदिरों में शुरू हुआ था। ये बात एकदम खास है क्योंकि ये हाईलाइट करता है कि भरतनाट्यम जो नृत्य है वो मनोरंजन के लिए शुरू नहीं हुआ था, वो एक्चुअली एक प्रार्थना की तरह इसका अभ्यास करते थे। जो लड़कियां ये प्रस्तुत करती थी उनको हम देवदासी कहते हैं, देव यानी कि भगवान और दासी यानी कि सेविका। इसीलिए भगवान की सेविका ये नृत्य प्रार्थना के प्रति प्रस्तुत करती थी भगवान के सामने। आप सब शायद मंदिर गए हैं, तो मंदिर में क्या देखा है आपने? भगवान भगवान स्वयं आए थे स्वर्ग से दर्शन देने के लिए आपको? तो किस रूप में देखा है आपने भगवान को? हाँ जी, क्यों? मूर्ति के रूप में चित्र देखे हैं भगवान के। तो यही मूर्ति देख के, यही चित्र देख के हमारा नृत्य बना है। तो कुछ कुछ ऐसे पोजेस होंगे जो आपको समझ में शायद आ जाएगा, आपने देखा होगा मंदिर में, जैसे कि आपकी
बांसुरी आपका बांसुरी बजाने के अलावा आप क्या करते थे? अच्छा ठीक है, मटकी फोड़ते थे और माखन खाते थे, फिर गाय चढ़ाते थे और रहते कहाँ थे? कहाँ रहते थे? गोकुल रहते थे। उस जगह कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे जहाँ आप रहते हैं। सब कितना मीठा। इनफैक्ट भगवान कृष्ण के बारे में हर छोटी सी छोटी चीज इतनी मीठी है मानो कि मधुर से भरी। ये प्रस्तुति को हम मधुराष्टकम कहते हैं। आई थिंक 14th सेंचुरी में लिखा गया था वल्लभाचार्य द्वारा। यही मेरी पहली प्रस्तुति है। लेकिन प्रस्तुति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि वृंदावन परितज्य पादम एकम न गच्छते। मतलब हे भगवान कृष्ण, वृंदावन से एक सेकंड के लिए भी आपके जो पदचिन्ह है वो गए ही नहीं। मतलब श्री कृष्ण की जो मिठास है वो अभी भी हमारे चारों ओर फैली हुई इस दुनिया में। आइए देखते हैं भरतनाट्यम की एक छोटी सी झलक। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे प्लीज़ कि आप बातें ना करें। अभी भी थोड़ा बहुत शोर आ रहा है पीछे से। मैं समझ रही हूँ बहुत सारे लोग हैं बहुत छोटे कमरे में, लेकिन प्लीज़ आप अगर बातें करेंगे तो मुझे डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। देखते हैं एक छोटी सी झलक भरतनाट्यम। Oh,
समझ में आई नृत्य के जरिए। किस तरीके से भगवान कृष्ण का वर्णन किया गया है? हाँ एकदम सही। वो बहुत सारी चीज क्या क्या चीज है इसके बारे में मैं बातचीत करना चाहती हूँ। थैंक यू। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? हाँ बताइए। हाँ वेरी गुड। और कुछ? दिखते कैसे आप? सोचिए क्या क्या पहना हुआ है उन्होंने, किस तरीके से अगर श्रृंगार किया है तो किस तरीके से किया है, गोपियों के साथ वो क्या खेल करते हैं। आई एम श्योर कि ये सब सबको बताया अच्छे। गोपियों के साथ वो जो डांस करते थे उसका एक नाम है खास, रासलीला। तो वो किया था ना कि गोपियों के साथ उनका जो रास है वो कितना सुंदर है। अच्छा, जो आपने कहा था एकदम सही है। भगवान कृष्ण के बारे में हर छोटी सी छोटी चीज उनकी जिंदगी के बारे में, वो क्या क्या करते हैं, क्या पहना है उन्होंने, कैसे दिखते हैं, ये सब छोटी छोटी तरीके से एक दर्शा की गई है। इस प्रस्तुति के जरिए आपको नृत्य के दो भाग भी दिखाई दिए होंगे, जैसे कि उसके बारे में मैं पहले बात करती हूँ। नृत्य के दो भाग, एक जहाँ नृत्यांगना दर्शक को कुछ बात कुछ उद्देश्य देने की कोशिश कर रही है, जैसे कि आपने कहा भगवान कृष्ण के होंठ, उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनके हाथ, उनका गाय चढ़ाने का तरीका, बांसुरी बजाने का तरीका, ये सब कितना मीठा है, कितना सुंदर है। ये भाव जहाँ पे नृत्यांगना दर्शक को कुछ बात कुछ उद्देश्य देने की कोशिश करती है, इसे हम अभिनया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अभिनया। ओके। दूसरा जो भाग है वहां पे नृत्यांगना कुछ बात कुछ कहानी समझाने की कोशिश नहीं कर रही, केवल प्योर डांस है, उस वाले भाग को हम नृत्यता कहते हैं। जैसे कि ऐसा एक भाव था डांस में, तो यही है नृत्य के दो भाव, अभिनय जहाँ पे नृत्यांगना दर्शक को कुछ बात समझाने की कोशिश कर रही है, और नृत्य जहाँ पे केवल टेक्निकल डांस हो रहा है, उस डांस का कोई खास मतलब कुछ उद्देश्य नहीं है। मैंने जब नृत्य सीखना शुरू किया था करीबन कुछ 15 साल पहले, और अभी जब मैं नृत्य शुरू करती हूँ, अपना अभ्यास शुरू करती हूँ, मैं नृत्य से शुरू करती हूँ। एक खास अभ्यास है जिसे हम भूमि प्रणाम कहते हैं। मैं चाहती हूँ कि कुछ बच्चे आए, कुछ विद्यार्थी आए, और मैं आपको ये एक छोटी सी चीज़ भरतनाट्यम की सिखा पाऊँ आज। कोई सीखना चाहेगा? आप आ जाइए। दो आदमी हम पैर एकदम साथ में रखेंगे, सामने की तरफ, ठीक है? ओके। हाथ को हम ऐसे रखेंगे, पहले दो उंगलियों को जोड़ना है, पहले दो, तो ऐसे नहीं, ऐसे। अच्छा, हम डांस कर रहे हैं, मंच पे हैं, सब हमें देख रहे हैं, तो स्मार्टली खड़ा होना है, ऐसे नहीं। हाँ, पोनी एकदम ऊपर रहेगी। दूसरी बात ये है कि हम ऐसे चिपक के नहीं हाथ को रखेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे। मुस्कुराना है।
वाले पैर को मारेंगे, वन टू में लेफ्ट वाले पैर को मारेंगे, टू थ्री में हाथ ऐसे रखेंगे, अंगूठा बाहर मुट्ठी बंद और कंधे के ऊपर रखेंगे ऐसे, कोनी ऊपर ऊपर ऐसे नहीं ऐसे स्ट्रेट, हाँ थ्री फोर में हाथ को साइड लेकर जाएंगे दोनों, हाँ आगे पीछे हो एकदम स्ट्रेट, हाँ फाइव में, अच्छा फाइव थोड़ा ट्रिकी है तो देखिए ध्यान से, पैर को ऐसे साइड करेंगे और पूरा नीचे बैठ जाएंगे और हाथ को सामने जोड़ेंगे, बड़े मतलब साहस के साथ जी हम आएंगे सीखने तो उनपे प्लीज हंसिए मत, बहुत बुरा लगता है जब आप डांस कर रहे हो और लोग आपके हंस रहे होते हैं, हुआ है मेरे साथ तो प्लीज मत कीजिए, ओके फाइव हम नीचे बैठ जाएंगे और हाथ को सामने ऐसे जोड़ेंगे, हाथ जोड़ो ओके सिक्स में, सिक्स में हाथ को नीचे दोनों हाथों को नीचे जमीन पर रखेंगे, सेवन में आंखों के ऊपर, एट में साइड से उसे ऊपर लेकर जाएंगे और नमस्कार में जोड़ेंगे दोनों हाथ पकड़ा हुआ है ना, और नाइन में ऊपर उठेंगे पैर साफ करेंगे और टेन में हाथ नीचे, एक बार फिर से करें ओके रेडी, पैर साथ में और हाथ कैसा रखा था हमने, हाँ दोनों दो उंगलियों को जोड़ना है, हाँ ओके एक मिनट थोड़ा पास रखिए आप, वन टू थ्री स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन पैर साथ में और टेन, एक बार दिखा सकते हो मुझे ओके रेडी पैर साथ में, हाँ ओके कोनी ऊपर ओके, पहले दो उंगलियों को जोड़ना है, यस ओके आप गिनेंगे मेरे साथ ओके, वन टू अरे वन टू थ्री स्टार्ट, वन टू थ्री फोर नाइन में उठना है, नाइन उठो उठो नाइन नाइन और पैर साथ में टेन हाथ नीचे, अच्छा मुझे लगता है एक और बार सॉरी हाँ एक और लास्ट है ओके, वन रेडी रेडी रेडी, वन टू थ्री स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब साइड से ऊपर लेकर जाए, नाइन उठिए पैर साथ में टेन ओके थैंक यू, एक मिनट रुकिए एक मिनट रुकिए, इस अभ्यास को हम क्या कहते हैं, भूमि प्रणाम, भूमि प्रणाम, कोई गेस करना चाहेगा कि इसे भूमि प्रणाम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने ऐसे भूमि माता को प्रणाम किया था, करेक्ट किया था ना ओके ठीक है थैंक यू, तो क्यों, अच्छा प्लीज सुनिए हाँ
वक्त आपने देखा था कि मैं जोर जोर से पैर जमीन पे मार रही थी, ऐसे मैंने किया था करेक्ट? तो शुरू करने से पहले और एक्चुअली अभ्यास के बाद हम भूमि देवी से क्षमा मांगते हैं उनपे जोर से पैर मारने के लिए, क्योंकि भूमि देवी से हम तो बने हैं ना, जो भी हमें मिला है, जो जीवन हमें मिला है उन्हीं से तो मिला है, और उनके ऊपर हम पैर रख के जोर जोर से डांस कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले हम माफ़ी मांगते हैं और तब ही जाके शुरू करते हैं, यही है भूमि प्रणाम का महत्व। अच्छा, थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगी मैं शुरुआत से। हमने करी थी शास्त्रीय और लोक नृत्य के बीच के अंतर के साथ, क्या किसी को याद है कि शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय क्यों कहलाते हैं? हाँ जी, अच्छा ठीक है, ओके। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ बोले, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, जो आपने बोला है गलत नहीं है, लेकिन हम शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय इसीलिए कहते हैं, ये इस वजह से नहीं कि वो शास्त्रीय संगीत पे आधारित है, बल्कि क्योंकि वो शास्त्रीय जो शास्त्र है उनके जो नियम है वो उनका पालन करके चलता है, तो शास्त्रों पे आधारित है। स्पेसिफिकली जो नाट्य शास्त्र है उसके ऊपर शास्त्रीय नृत्य आधारित है, इसलिए हम शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय कहते हैं। अच्छा, और जो डांस मैं कर रही हूँ वो तो सबको पता है, आई होप सबको पता है अब तक। हाँ, वो भरतनाट्यम डांस है, और शुरू कहाँ हुआ था आपने कहा था, शायद आपने कहा था भारत के कौन से राज्य से शुरू हुआ था? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कहाँ? मंदिर में। जो लड़कियाँ इस नृत्य का अभ्यास करती थी, क्या किसी को याद है उन्हें क्या कहते हैं? देवदासी। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, नृत्य के दो भाग क्या है? नृत्य और अभिनय। नृत्य में क्या होता है? उस नृत्य का कोई खास उद्देश्य नहीं होता है, वो केवल प्योर डांस होता है। और हमने क्या सीखा था नृत्य में, किसी ने अभी कहा था, अभी क्या सीखा था हमने? भूमि प्रणाम। हाँ, ये नृत्य का एक हिस्सा है। अच्छा, आते हैं हम अभिनय पे, जहाँ पे नृत्यांगना दर्शक को कुछ बात कुछ कहानी समझाने की कोशिश कर रही है। अब आपने देखा है कि डांस करते वक्त क्या नृत्यांगना बोली का प्रयोग करती है? नहीं। तो बिना बोले आप कोई बात किसको किसी को कैसे समझाएंगे? सॉरी, भाव के माध्यम से और इशारों से। हाँ, कोई ऐसे कर रहा है शांति से, एकदम सही है। मैं डांस को एक भाषा की तरह देखती हूँ। आई थिंक सबने हिंदी और इंग्लिश सीखा होगा, कॉलेज तक तो आए हैं तो सीखा है आई एम श्योर। तो सबसे पहले क्या सीखा था जब आपने भाषा कुछ सीखना शुरू किया था? अच्छा, मैम ने बोल दिया, और क्योंकि देखो बहुत सारा शोर हो रहा है तो आप ऐसे चिल्ला चिल्ला के जवाब दे रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है। तो जो जवाब मैं ढूंढ रही थी वो मैम ने जो सामने बैठी उन्होंने दिया है, वही कि अब जब कुछ हिंदी या इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो उसके अक्षर सबसे पहले सीखते हैं, जो अल्फाबेट है उसका, अ फॉर अनार, ए फॉर एप्पल, ये सब ने सीखा हुआ है। तो जो डांस है, जो नृत्य है, वो भी एक भाषा है, और इस भाषा के अक्षर हाथ के मुद्राएं हैं। अलग अलग हाथ की मुद्राओं को जोड़कर एक वाक्य बनता है, वाक्य जोड़ के एक पंक्ति, और पंक्ति को जोड़ के कहानी। कुछ दो चार बच्चे आएंगे, मैं आपको ये इसका एक उदाहरण देना चाहूँगी, इस तरीके से हम नृत्य की भाषा को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आ जाओ, आप पहले भी आ चुके हो, नो प्रॉब्लम। नमस्कार उनको, और नीचे बैठेंगे। हमारी जो भारत माता है, वंदे मातरम।
सुजलाम। किसी को पता है कि सुजलाम का क्या मतलब है? सुजलाम मतलब हमारी भारत माता कैसे मतलब कितनी सारे नदियां मिलते हैं उसमें पानी से भरा पड़ा है, तो पानी कैसे ऐसे तो वही है सुफलाम। हाँ, फलों से भरा हुआ है तो फल कहाँ पे उगता है? पेड़ पे, करेक्ट। तो ये वाला मुद्रा यूज करेंगे सुफलाम। हाँ, पेड़ से फल तोड़ के रखा है हाथ में। मलयज शीतलाम मतलब पहाड़ों से ठंडी ठंडी हवा आती है, तो पहाड़ ऐसे दिखाएंगे मलयज और हवा इस वाली मुद्रा के साथ ऐसे ऐसे हाथ को ऐसे दिखा, तो मलयज शीतल हवा को ऐसे फील करना है ना, हवा आ रही है ठंडी ठंडी हवा। एक बार फिर से करें, वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। एक बार आप दिखा सकते हो मेरे बिना? ओके, वन टू थ्री वंदे मातरम आया है, तो जिस तरीके से आप यूज
कैसे दिखाएंगे? करो तो सही, आईना मुझे मत दिखाओ, अपने आप को देखो आईने में। हाँ करेक्ट। और क्या क्या दिखा सकते हैं? वंदे मातरम भी करते हुए हमने पताका हिस्सा को यूज किया था, कहाँ? हाँ पर्वत दिखाने के लिए, और जल दिखाने के लिए, प्रस्तुति के वक्त भी मैंने पताका हिस्सा यूज किया था, हाँ सोना दिखाने के लिए, खिड़की खोल के देख झांकने के लिए। तो कैसे अलग अलग तरीके से हमने यूज किया है एक ही मुद्रा को बहुत सारी चीजों में से चीज दिखाने के लिए। यही मैं यूज करूंगी अपनी अगली प्रस्तुति में। जाने से पहले लेकिन एक बात है, थप्पड़ कैसे दिखाया था? ऐसे स्माइलिंग तरीके से एकदम गुस्से से दिखाया था ना। और आशीर्वाद कैसे दिखाया था? एकदम शांति से, प्यार से। एक ही हस्ता है, एक ही मुद्रा है, लेकिन आपको अंतर कैसे समझ में आ रहा है कि मैं थप्पड़ दिखाने जा रही हूँ या आशीर्वाद? चेहरे के भाव से। तो दो Yeah.
लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। यशोदा मैया, मैं वहां यमुना किनारे नहीं जाने वाला, आप चाहे जो कुछ भी कर लो मैं नहीं जाऊंगा। तो यशोदा मैया उससे पूछती है कि क्या हो गया कि तुम गैया चढ़ाने यमुना किनारे जाने से मना कर रहे हो, बताओ मुझे। वो पूछती है लेकिन कृष्ण जी तो कृष्ण जी है, वो भाग जाते हैं, नटखटते हैं। बहुत पूछने के बाद फाइनली कहते हैं कि दूसरे दिन मैं जब गया था वहाँ यमुना किनारे, तो सारे जो गोपियाँ थी उन्होंने मुझे ऐसे गले लगाया था, मुझे ऐसे छेड़ा था और मुझे पसंद नहीं आया। एक ज़माने में उनको पसंद नहीं आया। अच्छा, तो वो ये सब कहते हैं, शिकायत करते हैं मैया यशोदा से कि दूसरे दिन मैं चल रहा था और गोपियाँ ने मुझे ऐसे पकड़ लिया था, एक ने पकड़ा दूसरे को दिया, तीसरे दूसरे ने पकड़ा तीसरे को दिया, जैसे कि मैं कोई खिलौना यहाँ वहाँ ऐसे फेंक रहे मुझे। ये गोपियाँ ऐसे करते हैं, ऐसे शरारत करते हैं। तो यशोदा तो कृष्ण आखिर में कहते हैं कि मैं मैया यशोदा से शिकायत करने जा रहा हूँ, तुम देखो। और सारी गोपियाँ एकदम शर्मा जाती हैं। किस तरीके से कृष्ण जी को मनाते हैं वो देखते हैं प्रस्तुति में। प्रस्तुति के अंत में एक ट्विस्ट भी है, क्योंकि शुरुआत में कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं यमुना किनारे नहीं जाऊँगा, लेकिन अंत में कोई और कहता है कि हम यमुना किनारे नहीं जाएंगे। ये कौन कह रहा है देखते हैं प्रस्तुति में। प्रस्तुति की एक और खास बात है कि ये लिखी गई है स्वाति तिरुनाल महाराज ने। उस जमाने में जब कवि कविताएं लिखते थे तो मतलब वो लिख के आगे नहीं बढ़ाते थे, गा गा के दूसरों को जानकारी देते थे। इसलिए कविता के अंदर ही कवि का हस्ताक्षर मिलता है। इस कविता में स्वाति तिरुनाल का हस्ताक्षर यही है, पद्मनाभ प्रभु दीनोद्धार। जो कहानी है उससे कोई लेन देन नहीं है इस लाइन का, वो केवल कवि का हस्ताक्षर है। वो प्रस्तुति में कहाँ आता है वो लिखते हैं। Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh,
एक बार फिर से जोरदार तालियों से मैडम तानिया हमारे महाविद्यालय परिवार के मुखिया डॉक्टर राजेश चौरसिया को मैं आमंत्रित करती हूँ कि महाविद्यालय परिवार की ओर से वो सुशील तानिया सक्सेना मैडम का पुष्प कुछ पेंट कर अभिनंदन करें। और मैं भी जिला कार्यालय से साक्षी मैडम उपस्थित है, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करूंगी, उनका हमें बहुत सहयोग मिला, वो मैडम को लेकर आई है। और चौरसिया सर से अनुरोध करूंगी कि वो साक्षी मैडम का भी हमारे महाविद्यालय में पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। और धन्यवाद या आभार प्रदर्शन के दो शब्द कहने के लिए मैं डॉक्टर राजेश चौरसिया को आमंत्रित करती हूँ। मान्य करिए डॉक्टर पद्मभूषण डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन रमा वैद्यनाथन और श्रीमती कमलनी दत्त ने जो आपको दिया है और उसके बाद जो उन्होंने दिया उसको पूरी निष्ठा पूरी लगन पूरी पूरे त्याग के साथ पूरे डिवोशन के साथ आपने जो कुछ भी किया है वो सब मंच पर उतार दिया। ये निस्संदेह हम लोगों के लिए अकल्पनीय है। शायद महाविद्यालय के इतिहास में मैंने इस प्रकार का प्रोग्राम पहली बार देखा। महसूस नहीं कर सकता था ये पूरा महाविद्यालय परिवार आपके प्रति बेहद बेहद कृतज्ञता ज्ञापन करता है, धन्यवाद देता है और आभारी रहेगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम को आपने यहाँ पर हमारे मंच पर संजोया। आपके त्याग के लिए हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं और आपके लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि आप दिनों दिन निरंतर उन्नति और प्रगति करें। ये नाइंसाफी होगी यदि मैं मंडला कलेक्टर डॉक्टर जगदीश चंद जगिया जी का धन्यवाद इस मंच से ना करूँ। साक्षी शुक्ला मैडम का भी धन्यवाद क्योंकि वो लगातार इनके साथ सतत रूप से लगी हुई है, रजा फाउंडेशन और पर्यटन संवर्धन के नामदेव जी के माध्यम से। और डॉक्टर जगदीश चंद जटिया जी ने मुझसे करीब करीब एक डेढ़ माह पहले कहा था कि राजेश ये एक कार्यक्रम 25 तारीख को करना है, जाने कहां से उनके दिमाग में डेट थी और ये कार्यक्रम हम लोग। मैडम मैं हाथ जोड़ करके करवत पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद। और सभी विद्यार्थियों के लिए होंगे सभी महाविद्यालय परिवार का जिन्होंने एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को बहुत शॉर्ट टाइम में और इसको निसंदेह अविस्मरणीय बनाया है। थैंक यू वेरी मच। देखिए ये करीब एक से डेढ़ माह पहले हमारे मंडला के डायनेमिक कलेक्टर माननीय जगदीश चंद जटिया जी ने मुझसे बातचीत के दौरान ये कहा था कि राजेश ये एक कार्यक्रम अपने को महाविद्यालय में करना है भरतनाट्यम का। उसकी भूमिका के बारे में उसके प्लेटफॉर्म के बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं थी। मैंने इस टीम एक इसमें एक आयोजन समिति का गठन किया और चूंकि ये कार्यक्रम सबसे पहले झंकार भवन में हुआ तो झंकार भवन में मेरी पूरी टीम ने उसका निरीक्षण किया और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इसको तैयार किया। तो डॉक्टर सरोजा वैद्यनाथन और रमा वैद्यनाथन जो भूषण से ख्याति प्राप्त है ख्याति लब्ध हैं उनकी शिष्या तान्या सक्सेना के द्वारा ये जो नृत्य प्रस्तुति हुई है तो आज एक बहुत अच्छा पहलू उसका ये रहा है कि तान्या जी ने ना केवल अपनी नृत्य की प्रस्तुति दी बल्कि उन्होंने कुछ भावभंगिमाएँ नृत्यता और अभिनय इन जो उनकी डेफिनेशंस हैं नृत्य की उसके अंतर्गत आने वाले भावों को उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हुए और बेहद बखूबी उसको प्रस्तुत किया। देखिए अभी वर्तमान समय में अपन लोग जो टीवी वगैरह में भी प्रोग्राम देखते रहते हैं इसमें बहुत सारे डांसिंग के प्रोग्राम्स आते हैं, आपने देखा होगा कि इसमें हिप हॉप रैप और जाने तमाम टाइप के मैं बहुत सारे नामों को नहीं उल्लेख कर पाऊँगा क्योंकि वो उनके नाम भी बड़े अजीबोगरीब होते हैं। इन सब की दिशा में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि हमारा युवा भारतीय पद्धति की जो नृत्य शैली है उससे कहीं परिचित नहीं हो पा रहा है। देखिए आज जैसे तान्या सक्सेना जी ने जो अपना यहाँ पे परफॉर्म किया उसमें उन्होंने ना केवल बच्चों के साथ पूरा इंटरेक्शन किया बल्कि नृत्य की छोटी छोटी भावभंगिमाएँ जिनमें मैं खुद भी आश्चर्यचकित हूँ कि मैंने पहली बार नृत्य के बारे में इतनी सारी विधाएँ हो सकती हैं इनके बारे में मैंने जाना। तो छोटी छोटी विधाओं के माध्यम से उन्होंने जो विद्यार्थियों के साथ जिनमें हमारे कॉलेज के बच्चे और बच्चियाँ दोनों छात्र छात्राएँ दोनों जो हैं मंच पर उपस्थित होकर के और उन्होंने कुछ स्टेप्स उनको सिखाए तो निसंदेह कहीं ना कहीं ये भारतीय पद्धति की नृत्य शैली हमारे आचार व्यवहार और आचरण से जुड़ी हुई है। जो मैंने नज़दीक से इसको परखा देखा तो ये पाया कि हम अपनी ज़िंदगी में जो हरकतें करते हैं उन हरकतों को नृत्य पर इस बखूबी ढंग से संजोया जा सकता है। तो मेरा निसंदेह निवेदन है करबद्ध अनुरोध है सभी से कि इन शैलियों के प्रति वो परिचित हों तो हमारी भारतीय शैली कहीं भी पीछे नहीं है।
नहीं, मैं बिल्कुल इस मामले में रजा फाउंडेशन को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जुड़ा हुआ हूँ उनसे, लेकिन उनके रजा फाउंडेशन के कुछ विद्यार्थी हमारे महाविद्यालय में भी अध्ययन करते हैं और निरंतर उन्होंने कुछ अपने ज़िले की जो विभूतियाँ हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ स्पेसिफिक कार्य किए हैं उनके बारे में उन्होंने कुछ मैगजीन्स निकाली, वो मैगजीन भी मेरे पास पहुंची थी, तो मैंने निस्संदेह उनकी पीठ थपथपाई और इस बात के लिए उनको साधुवाद दिया कि कम से कम एक ऐसी संस्था रजा फाउंडेशन के नाम से ये कार्य कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्राइवेट रूप से लोग कार्य कर रहे हैं, इनको कोई शासकीय मेरे ख्याल से संसाधन की कमी है, तो जितने संसाधनों की कमी के बाद जब व्यक्ति कोई काम करता है तो मैंने पाया कि वो बहुत अच्छा साधक बनता है और रजा फाउंडेशन को मैं साधुवाद देता हूँ कि वो इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उन्होंने मंडला की धरती पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन वो कर रहे हैं और साधुवाद उनको। पर्यटन संवर्धन जो है ये शासकीय उपक्रम है तो निस्संदेह उनकी भी भूमिका इससे पृथक नहीं की जा सकती और शासकीय कार्यक्रम में हम लोगों के साथ ये होता है कि एक बार जब शासकीय आदेश या शासकीय भूमिकाएँ उसमें शामिल हो जाती हैं तो वो क्रियाकलाप जो हैं वो शासकीय नियम कानूनों के दायरे में।